दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको फोटोशॉप में एनिमेशन बनाना बताएंगे। तो आप फोटोशॉप, आपके पास जो भी वर्जन होगा आप उसको ओपन कर लीजिए। हमारे पास यहाँ देख लीजिए CS3 वर्जन है, तो हम CS3 में बनाएंगे। आपके पास 7.0 या इसे लेटेस्ट वर्जन होगा तो उसमें भी आप सेम स्टेप फॉलो करके आप बना सकते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम फाइल में जाएंगे और उसके बाद ओपन पर क्लिक करेंगे। आपके पास कोई भी इमेज होगा तो आप उसमें आसानी से आप ये वाला स्टेप फॉलो करके बना सकते हैं। जैसे ये वाला हम इमेज ले लिए, तो देखिए जब भी आप इमेज पर काम कीजिएगा उसको पहले डुप्लीकेट किया जाता है। ये आपके पास ब्लू आपको पट्टी दिखाई दे रहा होगा, इस पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट, उसके बाद ओके करेंगे तो डबल हो जाएगा। तो ये जो ओरिजिनल इमेज है, देखिए ओरिजिनल कैसे पकड़ते हैं। यहाँ देखिए कॉपी लिखा गया है, इसमें कॉपी है, इसमें डबल कॉपी है। तो ये जो है ओरिजिनल हमारा इमेज है, इसको हम क्लोज कर दिए और इस इमेज को बड़ा करेंगे यहाँ से। और इसको जूम करना है तो कंट्रोल प्लस, आउट करना है तो जूम माइनस। अब इसको क्रॉप करना है तो आप एडिट वगैरह आप जो भी करना चाहते हैं आप कर लीजिए। जैसे आपको क्रॉप करना है तो आप क्रॉप कर सकते हैं। जैसे इतना हम क्रॉप कर दिया, चलिए। अब इतना हो जाने के बाद आपको कीबोर्ड में कंट्रोल जे दबाना है। कंट्रोल जे से डुप्लीकेट लेयर होता है, नहीं तो आप 7.0 यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर। आपके पास लेयर आपको शो नहीं कर रहा है, मान लीजिए किसी कारण से ये हट गया है, तो आप लाने के लिए आपका शॉर्टकट है F7। जैसे ही कीबोर्ड में F7 दबाएंगे तो लेयर आएगा, हाइड ऑन, हाइड शो, हाइड हो रहा है। आप देख सकते हैं लेयर पर राइट क्लिक करेंगे, नहीं तो आप एक और तरीका इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर विंडोज में जाएंगे और यहाँ पर देखिए लेयर होगा, लेयर पर क्लिक करेंगे तो लेयर आ जाएगा। अब लेयर वाले बॉक्स पर राइट क्लिक करेंगे और डुप्लीकेट लेयर, उसके बाद ओके। देखिए ये जो हमारा फोटो था डुप्लीकेट बन गया। अब आपको यहाँ पर जाना है, ये वाला टूल ले लेना है, असमल टूल। 7.0 आप यूज कर रहे हैं तो इस तरह से टूल दिखाई देगा, तो यहाँ है स्मॉल टूल। नहीं तो आप लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। और कीबोर्ड में आपका कैप्स लॉक ऑन होगा तो इस तरह से दिखाएगा। जैसे ही कैप्स लॉक ऑफ करेंगे तो ये गोला बन जाएगा। और इसको बड़ा करने के लिए राइट क्लिक करके इसको बड़ा छोटा आप अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। अब इसको इस तरह से आँख इसका बंद कर देना है। देखिए बंद हो गया। अब इसको लगे कि इसका साइडो जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पर लग रहा है कि इस तरह से ऐसे ही कर दिया गया है, तो यहाँ पर जाएंगे और बर्न टूल लेंगे और यहाँ पर हल्का हल्का चला दीजिए इस तरह से। देखिए हो गया। अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लेयर का आंख जो है, इसको ऑन ऑफ कीजिएगा तो इस तरह से हो रहा है। तो इसमें और भी आप छेड़छाड़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं तो आप इतना ही पर छोड़ सकते हैं। अब आपको जाना है आप विंडोज में एनिमेशन में। देखिए एनिमेशन में आ गए, एनिमेशन में भी आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप 7.0 यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट आपको M दबाना होगा, तो आप इमेज जम्प टू रेडी में चला जाइएगा। नहीं तो आप विंडोज में जाइए और यहाँ से एनिमेशन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस तरह से टाइम लाइन दिखाई दे रहा होगा तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह से हो जाएगा। आप 7.0 यूज कर रहे हैं तो इसी तरह का शो होगा। यहाँ से आँख हटा देना है और ये वाला दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक छोटा सा डुप्लीकेट सिलेक्शन फ्रेम्स, इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आई लगा देना है। अब देखिए जैसे ही प्ले करेंगे तो बहुत देरी के बाद यहाँ पर 10 सेकेंड टाइम है, तो इसको शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करेंगे और यहाँ 1 सेकेंड पर क्लिक करेंगे और देखिए देखिए एक ही बार में ऑफ हो जा रहा है। तो यहाँ पर वंस पर क्लिक है, यहाँ पर इस पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा जल्दी जल्दी करिए तो यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे और 2 सेकंड पर क्लिक कर देंगे और देखिए इस तरह से।
आप इसको GIF इमेज में भी आप सेव कर सकते हैं। अब सेव कैसे करना है ये सीख लीजिए। यहाँ पर जाएंगे फाइल में और उसके बाद जाना है यहाँ पर सेव एज, दिखाई दे रहा होगा सेव एज, सेव एज पर क्लिक करना होगा। आप डेस्कटॉप पर क्लिक कीजिए और यहाँ देखिए GIF इमेज पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेव पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके ओके ओके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक